भगवान नहीं बन सकते। जैसे गायक का स्वरूप जानते हैं वैसे ही राग का स्वरूप भी जानते हैं, अपराध का स्वरूप जानते हैं, दोष का स्वरूप जानते हैं। पॉइंट पकड़ में है कुछ? जानते हैं, लेकिन दोषों को गायक नहीं जानते, दोषों को गायक में नहीं जानते, और गायक दोषों में चला गया ऐसा नहीं जानते। ज्ञान गेयों से अप्रभावी है ऐसा जानते हैं, और इसीलिए उनको गेयों के नाम पर गुस्सा नहीं आता। आप बराबर कहते हो भैया, हमने अनछना पानी बाप रहा है, धिक्कार है उस परिणति को, धिक्कार है। एक बार तो एक प्रश्न पूछा ऐसा हमको कि यदि ऐसा है, अपन तो ज्ञायक हैं, तो आश्रय बंद की प्राश्चित अपन क्यों करें? अपन तो त्रिकाली पारनामिक भाव है ना, ज्ञायक है ना, तो एक समय के राग को तो अपने को देखना ही नहीं है, एक समय के राग का तो लक्ष्य ही नहीं करना अपने को, तो अपन उसकी क्षमा क्यों मांगे? पॉइंट पकड़ में है, प्रश्न समझ में है? उसका क्षमापना क्यों करें, प्रतिक्रमण क्यों करें? तो हमने कहा सुनो भैया, तुमसे कह कौन रहा है कि तुम प्रतिक्रमण करो? ध्यान से सुनना, तुमसे कह कौन रहा है प्रतिक्रमण करो? तुम तो पारिणामिक हो ना, पारिणामिक में तो अपराध भी नहीं होता, प्रतिक्रमण भी नहीं होता, तुम तो पारिणामिक हो, उससे हम नहीं कह रहे क्षमा मांगने की। सुनो, तीव्र कसाय गलती करती है और मंद कसाय क्षमा मांगती है, माने आश्रवई गलती करती है और आश्रवई प्रतिक्रमण करता है, और तुम दोनों काल में बिल्कुल भिन्न अप्रभावी गायक देखते रहो, बस। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? क्षमा कौन मांगता है? क्षमा कौन मांगता है? मंद कसाय। तीव्र कसाय हो तो क्षमा ही ना मांगे। ध्यान रखना, अपने दोषों की क्षमा नहीं मांगने का भाव तीव्र कसाय है, मंद कसाय होए तो थोड़ा क्षमा मांगे, नहीं तो मांगे ही नहीं, गलती नहीं माने, गजब बात है, समझ आ रहा है? तो फिर क्या करें? करें क्या भैया, दोषों का स्वरूप भी जानना, लेकिन दोषों में आत्मा नहीं मानना, आत्मा में दोष नहीं मानना। ये मैं बहुत स्पष्ट इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी ये मेरी चर्चा जब इस तरह की होती है ना, तो लोगों को बड़ी घबराहट लग जाती है। जब देखो, जब क्रियाकांड पानी छाना, मसाला तीन बार धो, गेहूँ चार बार धो, यही यही यही। अरे लेकिन सुनो भैया, ज्ञानी वितराग भाव को भी जानता है और राग भाव को भी जानता है। पॉइंट पकड़ना अच्छी तरह से, क्योंकि यदि ऐसा शीतलाचार हो गए तो फिर 28 मूल गुण कैसे पालेंगे? बोलो, वो तो 13 से बड़े ज्ञाता हैं, और 3 का साथ चौकड़ी का अभाव में प्रचुर स्वसंवेदी हैं, वो करते हैं कि नहीं करते? एक्चुअली करना नहीं पड़ता, इतनी मंद कसाय होती कि आपो आप होती है। आप देख लें, जब आपको मंद कसाय होती है ना, आपको भी खेद होता है, सबको ही होता है, अपनी गलती का एहसास होते ही सबको खेद होता है। एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसे अपनी गलती का एहसास होने पर खेद ना होए। गलती का एहसास कब होता है? मंद कसाय होने पर, ध्यान रखना। तो फिर हम मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि क्या, अपन सब मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि जब खेद करते हैं तो किसान तू खेत का कर्ता बन जाता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि। तो तीव्र कसाय का कर्ता मानता है, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि है। आगे समझ में आया? करने का भार नहीं लेना सिर पे कि हम मंद कसाय करें, हम प्रतिक्रमण करें, इसका भार भी नहीं लेना, तुम सहज ज्ञाता रहो। आगे समझ में आया कि नहीं आया? काय का दृष्टांत? इसका दृष्टांत दे, जिनका कहना इसका दृष्टांत दे। देखो बहुत सिंपल बात है, जब तीव्र कसाय आती है ना, तीव्र कसाय, तो अपन छोटी सी गलती भी नहीं मानते, छोटी छोटी बात की भी बात नहीं मानते अपन। बहुत तीव्र कसाय हो तो ऐसे नहीं खाना चाहिए, तो गुस्सा आ जाए ना तो ऊपर से ही बोल दे, और थोड़ा मंद हो तो अंदर अंदर ही बोल दे, क्या हम तो ऐसे ही खाएंगे, बने सो करो, मैंने माता पिता की केयर नहीं हो तो अंदर से ऐसा बोल दे, तो अब सुधार कब हो जाएगा, गलती दूर कब होगी? अब मान चलो, आपने देखा होगा कभी कभी आपने मम्मी को जवाब दिया हो, एकदम जोर से बोल के चले गए, हमें नहीं मालूम, हमसे मत बोलो, और चले गए। फिर एक आध घंटे बाद जब मूड थोड़ा ठंडा हुआ, तब लगता है मम्मी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कितना हर्ट होता होगा ना उनको, कितनी तकलीफ होती है, लगता है कि नहीं लगता? बाद में लगता है कि नहीं? माने उस समय तो तूफान चलता है दिमाग में, तो चाय जैसा बोल देते हैं, बाद में फिर अपन घर आकर के बोलते हैं सॉरी मम्मी, आप बुरा नहीं मानना, वो मेरा मूड थोड़ा गलत था उस समय, गड़बड़ था, होता है कि नहीं? तो तीव्र कसाय गलती करती है और मंद कसाय सफाई करती है, और भगवान आत्मा दोनों काल में गायक रहता है। आगे समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। फिर से अंदर में आत्मा में रागादिक दिखने पर भी हम उसे गिनते नहीं है,
गिनते नहीं है क्या? आत्मा में अपनत्व है, एकत्व है, ममत्व है, इसलिए आत्मा प्रिय लगता है तो मोह राग द्वेष हल्के नजर आते। अब इसका भी एक कारण बताता हूँ, अब इसका भी एक लॉजिक, हल्के हैं क्यों? मोह राग द्वेष हल्के हैं, मोह राग द्वेष हल्के हैं जिन्होंने अनादिकाल से रुलाया है, क्यों? कि सचमुच हल्के हैं। एक समय जितना है, एक समय की पर्याय है, और इनमें दम कितनी सी है। अनादिकाल से क्यों रुला रहे थे मोह राग द्वेष? क्योंकि मैं अपने स्वरूप को भूला हुआ था, क्योंकि मैं इन्हें बड़ा मानता था। कौन को? मैं मोह राग द्वेष को बड़ा मानता था, अपने को दीनहीन पामर मानता था, इसलिए मैं आज तक रोया हूँ। आज मुझे अपनी शक्ति की खबर पड़ी और एक समय के मैं त्रिकाली हूँ, ऐसा मालूम पड़ते सही एक समय की वैल्यू खत्म। इसका नाम वो गुहन। राग की कतई चिंता नहीं होती ज्ञानी को, क्यों? एक समय की जितना है, जब मैं आत्मा में लीन होऊंगा ये छूट जाने वाली। आगे समझ में आया? हाँ, इसलिए राग की चिंता उत्पन्न नहीं होती। लेकिन रुक जाना, सावधान। क्या सावधान? लेकिन उसे खबर है ये राग है, गफलत हुई और मिट जाएंगे हम। मैंने हम अपने त्रिकाली ज्ञायक को भूले, गफलत मैंने त्रिकाली ज्ञायक परमेश्वर को भूले और राग में रुल जाएंगे। तो ऐसे स्वरूप में सावधान होकर उस राग को मिटाते जाते हैं। इतनी समझ में आ गई बात? तो ओप गुहन और ओप ब्रह्मण दोनों शब्द लिए अपन ने इसमें से, समझ में आए? मैंने घड़ी नहीं देखी, हाँ आधा घंटा हो गया, लेना है। और आप लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा सब लोग ले लेंगे। आज देखो पूज्य गुरुदेव श्री का स्मृति दिवस है, उपकार दिवस है। मैंने आज अपने को गुरुदेव श्री का वियोग हुआ था नहीं इसी मुंबई में, तो आज अपन उनको याद करेंगे, है ना? इसलिए इतनी थोड़ी चर्चा करी। हाँ 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 ये अभी आत्मा में घटाया निश्चय पने, ऐसे व्यवहार में घटाना। अब ऐसे व्यवहार में घटाना, जैसे आत्मा प्रिय लगे तो उसका दोष दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता। पंडित साहब इसका एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, पंडित साहब एक दृष्टांत देते हैं। कभी बच्चे हो ना, कोई बच्चा हो और दौड़ते दौड़ते गिर जाए तो उसे लगता सब हंसेंगे, अभी हाल सभी हंसेंगे, जल्दी से एकदम जल्दी से खड़ा हो गए, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कुछ नहीं कुछ नहीं। समझ में आया? मैंने गिरा भी और चतुर था तो जल्दी से उठ के खड़ा भी हो गया। ओ साफ कर, क्या करा? ध्यान रखना जो कचरा लग गया था नहीं, क्या हुआ? कहीं नहीं कहीं नहीं। ऐसे क्या बताएं? सम्यक दृष्टि को राग उत्पन्न होता है और फटाफट गाय के आश्रय से मिटा के कहीं नहीं कहीं नहीं, क्या कहाँ है राग, कैसा राग, कौन सा देश, कौन सा वो है? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ऐसे उपमान का दृष्टांत समझना इसका जोरदार। अब एक बात, वैसे तो अभी नहीं कहना चाहिए, कल कहेंगे अपन, ठीक है? तो स्थितिकरण की चर्चा भी लेंगे थोड़ी सी। उसमें क्या कह, जब जैसे हमने अपने में उपगमन किया ना, ऐसे ही आत्मार्थी जीव हो, साधर्मी जीव हो, धर्मात्मा जीव हो, उनके जीवन में कभी कोई दोष दिख जाए, इसमें लिखा है, पढ़ना, इसमें लिखा है, नाम दिए, बीरी का क्षोभसम कम होने से, सामर्थ्य कम होने से, बीरे बने सामर्थ कम होने से, पापोदय से, कोई उसका अपयश प्रकृति का उदय आ जाए, कोई घटना घट जाए, तो उसको आत्मा के समान रक्षा करना, छिपा देना, मालूम पड़ जाए तो छिपा देना। क्या कह रहे? मालूम पड़ जाए उसका दोष तो छिपा देना, जग जाहिर नहीं करना। और उपगुहन की कहानी मालूम है ये सबको? एक चोर छुल्लक का बेस बनाकर, ब्रह्मचारी का बेस बना करके, और एक सेठ के पास आ गया, उनके हीरे का वो था, रत्नों का छत्र भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर। अब इतनी तैयारी करके आया वो ब्रह्मचारी, अब वो चोर ब्रह्मचारी का बेस बना के ऐसी बढ़िया प्रवचन करे, ऐसी बढ़िया बातें करे, ऐसी भक्ति करे, सेठ खुश हो गए, रोज उसके पांव छुए सेठ। और उन्होंने कहा, भैया आप तो यहीं आराधना करो ब्रह्मचारी जी, आप इसी में आराधना करो, जब आपको मंदिर में जाना हो तो चाबी रखो, मंदिर में जाया करो, सब करा करो। समझ में आ गया? ले ली चाबी, वही तो चाह ही रहा था, वो तो चोर ही था नहीं, वो तो ब्रह्मचारी का तो बेस था उसका। तो जब सेठ जी कहीं गए हुए थे, झट वो छत्र उठाया, रत्नों वाला और मणियों वाला, और लेके भागा। पुलिस पड़ गई पीछे, पुलिस पड़ गई, एकदम चमक आई रात को तो उसकी, तो दौड़ता 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 गजब बात देखा,
दौड़ता दौड़ता जहाँ पर सेठ जी जाने वाले थे वहाँ रस्ते में कहीं वहाँ ठहरा, उनका उतारा था कहीं, वो उसी टेंट में गया और सेठ जी हमें बचा ले। कहले हाँ कहीं बात नहीं। पुलिस आई, क्यों क्या बात है? ये जी चोर है, चोर को बताओ कहाँ है चोर। नहीं भैया ये चोर नहीं है, ये तो हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, हम परदेश जा रहे थे ना तो हमने छत्र मंगाया था ताकि अगले दिन हम इनको ले जा करके वहाँ कुछ काम कराना है वो करके लाएंगे। देखो तो पुलिस वाले को तो क्या कह दिया, ये ब्रह्मचारी जी है चोर नहीं है, उन्हें तो हटा दिया। क्यों क्यों हटा दिया मालूम? क्योंकि दुनिया में ब्रह्मचारी के बेस में चोर है तो फिर ब्रह्मचारियों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, सारी दुनिया में ऐसा फेमस हो जाएगा ब्रह्मचारी जी चोर होते हैं आगे। तो उनको पुलिस वालों को तो वापस कर दिया और फिर उससे कह रहे तूने क्या किया, हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, सच्चा जैनी हो गया, सच्चा ब्रह्मचारी हो गया, मुनि बन गया, मोक्ष जाने की तैयारी कर ली। पॉइंट पकड़ में क्या कहना है अपने को, कभी भी किसी साधर्मी का दोष दिखे छिपा करके उसको निकालने का उपाय करो। क्या कहा? छिपाने का, निकालने का उपाय करो। अब इससे आगे बहुत लंबी चर्चा है यदि हम कहेंगे तो, अब ये समझ लेना ऐसे नहीं करना चाहिए। एक एक से लेकिन चार जगह फैला दी और फैलाते ही चले जाए, अब मजा आ रहा है तुम्हें मालूम है, एमनी दीकरी भागी गई। अरे तो भाग तो जाने दे, तू छिपा दे उसको, तुझे लेना देना क्या है? कोई उपाय हो तो जाके अच्छा उपाय बता दे, कुछ अच्छी बात कर। अरे एक दृष्टान व्रत उपवास करते हमें मालूम है सब, इनका परिणाम खराब है, और जो प्रवचन कर बहुत खराब है, और वो बहुत खराब है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? इसकी चर्चा कल करेंगे, हालांकि गारंटी कुछ नहीं हुई है। आज का भाव आज है ना, कल का भाव कल है। लेकिन सच में इसमें इसमें अपने को लॉस नहीं समझ में आता ना, इसलिए पाप होता है। और मैं चाह रहा हूँ इसका लॉस मालूम पड़ना चाहिए कि जब हम दूसरों के दोष निकाल निकाल के दिखाते हैं तो मोक्ष मार्ग से उन्हें हटाते हैं, लेकिन भाई साहब आपको भी जब पाप का उदय आएगा तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई उपगुण करने वाला नहीं मिलेगा, इतना कर्म का बंद होगा और फिर बहुत अनंत कष्ट भोगना पड़ेगा जी। इसलिए हमेशा जीवन में धर्मी धर्मात्मा का उपगुण करना और उन दोषों को मिटा करके उपग्रहण करना। समझ में आया? इतनी चर्चा अभी हुई तो अभी पूज्य गुरुदेव श्री के संबंध में एक भजन सुना करके जो है ना वो सुना देते हैं आपको। सभी को मालूम है 1980 में आज के दिवस में करीब शाम को 5:30-6 बजे करीब पूज्य गुरुदेव श्री का विरह हमें हुआ। तो फिर सारी वास्तव में तो मैं तो यही सोचता हूँ आज के दिन वो एक घंटे का पूरा जो सुनाया है ना उस समय क्या हालात थे वो, मैंने वो सब बैराग्यदायक है पूरा, वो सुनने जैसी बात है। लेकिन अपन थोड़ा एक भजन सुनाते हैं। गुरुदेव की याद सताती है, मेरी अखियां भर भर आती है, तुम कहाँ गए गुरुवर मेरे, ये कमी आज भी खलती है, मेरी अखियां झर झर बहती है, गुरुदेव की याद सताती है, जब स्वर्णपुरी में रहते थे सोनगढ़ का वो मंदिर, स्वाध्याय मंदिर उनका निवास स्थान, हंसती हुई मुद्रा, आशीर्वाद देती मुद्रा, खिलखिलाती मुद्रा, अमृत झरती मुद्रा, उपगुहन करती मुद्रा, स्थितिकरण करती मुद्रा, प्रभावना करती मुद्रा, निसंकित मुद्रा, निकांचित मुद्रा, जगत से जिन्होंने कुछ नहीं लिया, निर्विचिकित्सा, किसी से घृणा नहीं की, अमूढ़ दृष्टि, कभी भी मूड नहीं बने पापोदय में, व्यवहार में मूड नहीं बने, ऐसे 8 गुणों से शोभायमान पूज्य गुरुदेव श्री
जब स्वर्णपुरी में रहते थे अध्यात्म अमृत बरसाते थे। बह सवा आँख में झुलती है मेरी अखियाँ भर भर आती हैं। तुम कहाँ गए गुरुवर मेरे, ये कमी आज भी चुभती है मेरी अखियाँ झर झर बहती हैं। ध्रुव दृष्टि सदा बतलाते थे मुक्ति सा आनंद देते थे। जब वाणी सुनते थे तो लगते ही नहीं था कि अपन बंधन में है कि संसार में है। मुक्त स्वरूप दिखाते दिखाते ऐसा लगता था मानो सिद्धालय में ही चले गए हो, ऐसा मुक्ति जैसा आनंद देते थे आप। ध्रुव दृष्टि सदा बतलाते थे मुक्त तीसा आनंद देते थे। वो बात कहाँ अब मिलती है मेरी अखियाँ झर झर बहती हैं। हे द्रव्य सदा आनंदमयी, क्या गजब बताया। सारे विश्व की कहाँ चर्चा हो, कौन सुने ये बात। हे द्रव्य सदा आनंदमयी, हे द्रव्य गुणों में तन्मयी। और यदि स्वीकृति करो तो स्वीकृति में सदा सरस्ती है, सम्यक दृष्टि रूप प्रणमती है, आनंद रूप प्रणमती है, सरस हो जाती है। स्वीकृति में सदा सरस्ती है मेरी अखियाँ भर भर बहती हैं। सब भूले भगवन बतलाया, साधर्मी बासल सिखलाया। वो तो आपने क्या गजब बात, मैंने पूरे अभी इसका तो वर्णन करूँ तो बहुत है। आपके चेहरे पर कभी ऐसा दिखाई नहीं दिया कि ये दुश्मन है कि ये शत्रु है, कोई प्रतिकूल ही नहीं देखा आपने तो। काले झंडे लहराते रहे, झगड़े झांसे होते रहे, नहीं आप तो मुस्कुराते हुए एक ही बात कहते रहे, भगवान आत्मा क्या गजब बात करी। कभी चेहरे पर कोई रिएक्शन ही नहीं। साधारण बात चले ऐसा ही नहीं, 25,000 लोग ने एक साथ भोजन करे नहीं, कोई खबर नहीं पड़े। कहाँ दो भाई आपस में एक दूसरे को प्रेम से भोजन नहीं कराते हुए कदाचित, और कहाँ आपने ऐसा बासल दिया। साधर्मी बासल सिखलाया, एक कमी आज भी खलती है। ये कमी आज खलती क्या मतलब, आप खल रही हो। हम इसमें ज्यादा नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं लगता आज। लेकिन भैया फिर कहते हैं साधर्मी में खूब स्थितिकरण बासल सब रखो। हम तो इतना ही कहते हैं, अपना जीवन अपना चिंतन अपना परिणमन ऐसा होना चाहिए। कभी कोई ये नहीं कह सके कि ये देखो गुरुदेव के शिष्य हैं, झगड़ते हैं। ये नहीं कहें कि देखो प्रेम नहीं करते हैं, बात्सल नहीं करते, ऐसा नहीं हो। और सच्ची बात बताएं तो हिंदुस्तान में आज पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत योगदान है। आज जो पंच कल्याणकों की बाढ़ दिखाई दे रही नहीं दोनों तरफ, वो केवल गुरुदेव की देन है। और नहीं तो हमने ऐसे दिन देखे हैं, ऐसे दिन देखे हैं कि दो दो साल हो गए हैं, बेदी तैयार है और भगवान लकड़ी के पार्ट ऊपर रखे हैं, विराजमान हैं। दो दो बरस बीत जावे, मुश्किल से गांव में जरा से लोग, उनमें भी चार पार्टी, एक जरा सा कार्यक्रम करना मुश्किल पड़ता था, मुश्किल। तो फिर भोजन कौन कराएगा,